सो गाइज आगे स्टार्ट करते हैं. इसमें जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है वो हाई है पार्ट वन से. तो आई होप कि आपसे निकल गए होंगे जो क्वेश्चन मैंने पार्ट वन में दिए थे आपको निकालने के लिए, उनके नेटवर्क्स बन गए होंगे. स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में. ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्टिविटीज़ हैं, प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ दी हुई हैं. तो जो हमारी एक्टिविटी है वो निकलती है हमारी प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ में से. ठीक है, जो ये चीज़ है हमारी वो दिस इज़ कमिंग फ्रॉम दिस. ठीक है, ये चीज़ यहाँ से आ रही है. ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है इसका नेटवर्क. तो जैसे कि आपको पता है जो हमारा एरो होता है उसको हम एक्टिविटी कॉल करते हैं, और जो सर्कल होता है उसको हम इवेंट बुलाते हैं. ये चीज़ पार्ट वन में हम कर चुके हैं. तो गाइज स्टार्ट करते हैं इसका नेटवर्क बनाना कैसे बनेगा. ठीक है, कह रहा है कि ए इज कमिंग फ्रॉम नन. जो ए एक्टिविटी है वो पता नहीं हमें कहाँ से आ रही है. ठीक है, तो यहाँ पे एक हम बनाएंगे इवेंट, यहां से निकालेंगे हम ए. कैसे बनाया मैंने, कह रहे कि ए इज कमिंग फ्रॉम नन. ये ए है हमारा. ठीक है, ये ए निकाल दिया. कहां से निकाला, नन से. ये नन है ना, हमें नहीं पता कि ये वाला इवेंट कहां से आ रहा है. नहीं पता हमें ये वाला इवेंट कहां से आ रहा है. तो ये एक नन का काम कर रहा है. तो इस नन इवेंट में से, इस नन इवेंट में से हमने क्या निकाल दिया, ए निकाल दिया. क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा था ए इज कमिंग फ्रॉम नन, निकाल दिया ए. उसके बाद बी इज कमिंग फ्रॉम नन. बी, जो बी है वो भी नन से आ रहा है. तो बी भी इसी से निकालोगे आप ऐसे. ये वाला इवेंट थोड़ा आगे बनाओगे आप इससे. ठीक है, सीध में नहीं बनाना होता क्योंकि बाद में हमने नंबरिंग देनी होती है. तो जैसे इसको वन दोगे, तो अगर आपने ये वाला इवेंट बिल्कुल इसके नीचे बना दिया तो टू किसको दोगे, इसको दोगे या इसको दोगे. तो इसलिए ये वाला इवेंट इससे थोड़ा आगे. तो वन इसको मिलेगा, टू इसको, थ्री इसको. ठीक है, बी भी हमने नन से निकाल दिया क्योंकि यहाँ पे बोला था बी इज कमिंग फ्रॉम नन. ये बी निकाल दिया मैंने नन से. नेक्स्ट, सी इज कमिंग फ्रॉम ए. कह रहे कि जो सी है वो आ रहा है ए से. इसको ऐसे कर लो आप, ये इसका है, इसका. ठीक है, सी इज कमिंग फ्रॉम ए. ये रहा हमारा ए, यहां से निकालो आप सी. और ये एरो ऐसे नहीं छोड़ना, एरो मतलब एक्टिविटी, ऐसे करना आपने. ठीक है, सी निकाल दिया मैंने ऐसे, सी इज कमिंग फ्रॉम ए. ये हमारा ए था, यहां से मैंने सी निकाल दिया. नेक्स्ट, D is coming from B. कह रहा है कि जो D एक्टिविटी है वो B से आ रही है. ये रहा B, यहां से D निकाल दो. अब D जाएगा इससे थोड़ा आगे. ठीक है, नेक्स्ट, E is coming from A. कह रहा है कि जो E एक्टिविटी है वो A से आ रही है. E is coming from A. ये रहा हमारा A, यहां से E निकालोगे आप. ये है ना A, यहीं से ई निकलेगा. कैसे निकालोगे, इस वाले इवेंट से थोड़ा आगे लेके जाओगे. निकाल दिया, सिंपल. देखो ऊपर सी भी ए से आ रहा था हमारा, तो मैंने सी भी ए से ही निकाला होगा. नेक्स्ट, फिर डी निकाला बी से, सॉरी डी, हाँ डी, डी इज कमिंग फ्रॉम बी. ये डी निकाला इस बी से. ए इज कमिंग फ्रॉम ए. तो ये जो E था ये भी मैं A से ही निकालूंगी. ये है हमारा A. नेक्स्ट, F इज कमिंग फ्रॉम B. कह रहे कि जो F है वो B से आ रहा है. ये रहा B हमारा, यहां से F निकालोगे. तो ये निकाल दो आप, ये वाला F ना, आप यहां से भी ऐसे भी निकाल सकते थे. देखो B से ही निकालना ना F, तो ये ऐसे भी जा सकता था, पर मैंने नीचे से निकाल दिया F. ठीक है, आपका डायग्राम कैसे भी बन सकता है. ये F निकाल दिया मैंने B से, F इज कमिंग फ्रॉम B. ठीक है जी, आगे देखो, G इज कमिंग फ्रॉम CD. कह रहा है कि जो G है वो हमारा C और D से आ रहा है. C और D से G निकल रहा है. तो C और D को एक इवेंट में लेके आओगे तभी वहां से G निकालोगे आप.
तो अब देखो कैसे करोगे, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है, और सी और डी को हमने, सी और डी को एक इवेंट में लेके आना है। कैसे लेके आओगे? अब ये देखो कॉमन सी चीज है यार, जो दो मिनट के लिए इसको भूल जो, जो सी और ई है वो दोनों ही ए से निकल रहे हैं, है ना। हमें ना देखो ऐसे ना एक इवेंट में सी और डी लेके आने हैं, सी और डी एक इवेंट में लेके आने हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक इवेंट में होएगा तभी हम इससे जी निकाल पाएंगे। जी इज कमिंग फ्रॉम सी डी, ये एक इवेंट में आ जाएगा सी और डी, तभी हम इससे जी निकालेंगे। कैसे लेके आओगे अब सी और डी को एक इवेंट में? ये ई और सी, जो ई और सी है वो दोनों ही ऐसे निकल रहे हैं, निकल रहे हैं ना दोनों ऐसे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो इंटरचेंज, सी और ई दोनों ही ऐसे निकल रहे हैं। यहाँ पे ई लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। ये चीज गलत तो नहीं है? ई भी ए से आ रहा है और जो ई है वो भी ए से आ रहा था, सी भी ए से आ रहा है, तो मैंने क्या किया, बस इंटरचेंज ही किया है ना। ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, करनी है ये चीज ऐसे, दोनों ही एक से निकल रहे हैं, ठीक है, दोनों इवेंट ए इवेंट से निकल रहे हैं, इससे ए से निकल रहे हैं ई भी और सी भी, तो मैंने बस इंटरचेंज किया इनको। अब क्या करोगे आप, सी डी को एक इवेंट में लेके आना है, तो चाहे सी को मिटो के यहां से ऐसे ले आओ, चाहे डी को रब करके ऐसे सी में ले जाओ, एक ही बात है, ठीक है। मैं सी को रब कर देती हूँ, ये सी था हमारा, ये मैं ले आई इसमें, आ गया एक इवेंट में हमारे पास सी डी, और यही हमने करना था। तो सी डी अब हमारे पास एक इवेंट में आ गया, तो अब इससे निकाल दो जी, जी इज कमिंग फ्रॉम सी डी, ये रहा हमारा सी डी। यहां से जी निकालोगे तो जी थोड़ा सा इस इवेंट से आगे जाएगा, कैसे, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट एच इज कमिंग फ्रॉम जी एफ, अब हमें जी और एफ को कंबाइन करना पड़ेगा, तभी आप वहां से H निकालोगे। H इज कमिंग फ्रॉम जी एफ, ये रहा हमारा G, ये रहा हमारा F, ठीक है। चाहे आप F को G में ले जाओ, चाहे G ये कर दो, G को मिटो के G को ऐसे ले जाओ, ये इजी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से F को G में कंबाइन करोगे ना तो ये वाला इवेंट आपको थोड़ा सा आगे लेके आना पड़ेगा। तो सिंपल ये वाला G है, इसको रब करो और इसमें ऐसे वो कर दो, ये वाला जी रब हो जाएगा हमारा, बस जी, जी और एफ एक इवेंट में आ गए। अब यहां से आप क्या निकाल दो, एच, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आई इज कमिंग फ्रॉम ई, जो आई है वो आ रहा है ई से, ये रहा हमारा ई, यहां से आई आ रहा है, आई निकाल दो। अब आई एच से थोड़ा आगे जाएगा, J is coming from HI, HI से J निकल रहा है, तो HI को एक इवेंट में लेके आना पड़ेगा हमें, ये रहा H, चाहे इसको ऐसे ले जो, एक इवेंट में आ जाएगा हमारे पास H और I, और फिर वहां से J निकल जाएगा, या फिर इस I को रब करके इसमें ऐसे कंबाइन कर दो, एक ही बात है, H आ गया, एच आई एक इवेंट में। अब एच आई से हमने J निकालना, J इज कमिंग फ्रॉम एच आई, J निकाल दो। फिर K इज कमिंग फ्रॉम J, ये रहा हमारा J, यहां से निकल जाएगा K, बस बन गया नेटवर्क। अब आप इसकी नंबरिंग दे दो, नंबरिंग कैसे दोगे, एक, फिर ये वाला इवेंट इससे पहले है तो इसको दो, इसको तीन, ये वाला इवेंट पहले है फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन।
गाइज ये था नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क बनेगा। एक और क्वेश्चन करें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो इसका नेटवर्क कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। इसमें आएगा डमी, ठीक है, और पहली बात डमी आपने तभी बनाना जब उसकी रिक्वायरमेंट हो। अगर डमी की रिक्वायरमेंट नहीं है और आपने डमी वहां पे बना दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो कैसे बनेगा ये, आपको ये तो पता ही है, ये वाली एक्टिविटी यहाँ से आ रही है, ठीक है। दिस एक्टिविटी इज कमिंग फ्रॉम प्रीडिसेसर एक्टिविटी। ए इज कमिंग फ्रॉम नन, जो ए है वो आ रहा है नन से। यहाँ पे नन बनाओ पहले, आप यहां से निकालो ए, ठीक है। ये ए कहाँ से आ रहा है, नन से। ये नन है ना, हमें नहीं पता ये वाला इवेंट कहाँ से आ रहा है, हमें नहीं पता ये वाला इवेंट कहाँ से निकल रहा है, क्योंकि देखो इसके पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है। एक्टिविटी मतलब एरो, सर्कल गोला मतलब इवेंट। ये वाला इवेंट, इस वाले इवेंट के पीछे कोई एक्टिविटी नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये जो इवेंट है वो कहाँ से आ रहा है। तो ये हुआ नन, तो इस नन से हमने ए निकाला क्योंकि ए इज कमिंग फ्रॉम नन। नेक्स्ट बी इज कमिंग फ्रॉम नन, बी भी नन से आ रहा है, तो यहां से आप निकालोगे बी और इसको इस वाले सर्कल से थोड़ा सा आगे लेके जाओगे ऐसे, ये हो गया बी। अब अगला देखो, जो सी है वो भी नन से आ रहा है, ये सी इज कमिंग फ्रॉम नन, ठीक है। मैंने ये एरो पाए हुए हैं, सोडा टी पता चल जाए कि कौन सी एक्टिविटी किससे निकल रही है, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज पाई हुई है। तो सी इज कमिंग फ्रॉम नन, ये है हमारा नन, यहीं से हमने ए निकाला क्योंकि ए भी नन से आ रहा था, यहीं से हमने बी निकाला और यहीं से इसी इवेंट से हम सी निकालेंगे। सी इज कमिंग फ्रॉम नन, सी जाएगा इस वाले इवेंट से थोड़ा सा आगे ऐसे, ये हमारा हो गया सी। अब आगे क्या कह रहा है, डी इज कमिंग फ्रॉम सी, डी सी से आ रहा है, ये रहा हमारा सी, यहां से निकाल दो आप डी। नेक्स्ट ए इज कमिंग फ्रॉम ए बी डी, कह रहा जो ए बी डी है, ए बी डी से ई निकल रहा है, ठीक है, ए बी डी। देखो अब जो ए बी डी है, हमने ए बी डी को एक इवेंट में लेके आना है, फिर वहां से हमने ई निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहली चीज तो आप क्या करो, देखो ए बी नन से निकल रहा है और जो सी है वो भी नन से ही निकल रहा है, बी भी नन से निकल रहा है, तीनों एक्टिविटी एक इवेंट से निकल रही है, डेट इज कॉल्ड नन, नन इवेंट है ये, यहीं से तीनों एक्टिविटीज हमारी निकल रही है। तो सी को आप यहां लिख दो, क्योंकि देखो तीनों जो तीनों एक्टिविटी है हमारी वो एक ही इवेंट से निकल रही है, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो, यहां सी लिख दो और यहां पे लिख दो आप बी। तो क्योंकि जो डी है वो सी से निकल रहा था, तो आप इसको भी रब करो, देखो डी इज कमिंग फ्रॉम सी, तो ये डी हमने सी से निकालना है, इसको सी को थोड़ा आगे लेके आओ, बी को थोड़ा पीछे लेके जाओ। अब सी से हमने डी निकाल दिया ऐसे, देखो गाइज कुछ नहीं किया मैंने, मैंने इंटरचेंज कर दिया बी सी को, क्यों, क्योंकि तीनों एक्टिविटी एक ही इवेंट से निकल रही है, तो चाहे आप यहाँ पे बी बनाओ या यहाँ पे बनाओ या यहाँ पे बनाओ, भी एक ही बात है, मैंने सी यहाँ पे बना दिया। और फिर आगे कह रहा था कि डी इज कमिंग फ्रॉम सी और ये डी निकाल दिया सी से। अब ए और ए बी डी को एक इवेंट में लेके आना है, फिर वहां से ई निकलेगा, कैसे लेके आओगे, ये रहा डी, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है। अब इस वाले बी को रब करके, इस वाले बी को रब करो और आप इसको इसमें ज्वाइन कर दो, बी डी तो बन गया आपका, बी डी आपका एक इवेंट में आ गया। अब क्या आप, अब हमने ना, हमें ना ए बी डी एक इवेंट में चाहिए, इस एक इवेंट में हमें ए भी चाहिए, हमें बी भी चाहिए, हमें सी भी चाहिए, फिर इस वाले इवेंट से हम निकालेंगे ई।
अब आप पता है क्या करोगे, आप इस ए को ना, वो बता रही हूँ जो आप करोगे, इस ए को ना यहाँ से मिटो के ना इस इवेंट में ले आओगे, ऐसे ऐसे ले आओगे, हो गया जी ए बी डी ना, ऐसे नहीं करना। पहली बात, आपकी जो ये एरो है, एरो मतलब एक्टिविटी, वो कभी भी ऐसे नहीं जानी चाहिए, स्ट्रेट स्ट्रेट जाएंगी हमेशा, कितनी ही दूर तक ले जाओ पर स्ट्रेट जाएंगी। दूसरी चीज, बैकवर्ड नहीं जानी चाहिए कभी भी, हमेशा जो आपकी एक्टिविटी है वो जाएगी, देखो ऐसे जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, पर ऐसे नहीं जा सकती, बैकवर्ड नहीं जा सकती, हमेशा आगे की तरफ। अब पहली चीज तो, क्योंकि ये कर्व हो गई एक्टिविटी, तो वो अलाउड है नहीं कर्व होना। फिर आप क्या करोगे, इसी इवेंट में से ए निकल रहा था ना, तो आप यहां से ए ऐसे निकाल के इसमें कनेक्ट कर दोगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने ये चीज बताई थी कि ये इवेंट है, ये इवेंट है, इस इवेंट में से ऐसे एक्टिविटी जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल जा सकती है, ठीक है, पर दूसरी एक्टिविटी सेम इवेंट में से सेम इवेंट में जाके कनेक्ट नहीं हो सकती, ये चीज गलत है, ठीक है, जो ठीक है। तो ये चीज गलत है, एक इवेंट में से दूसरे इवेंट में दो एक्टिविटीज नहीं जा सकती, सेम इवेंट में से दूसरे सेम इवेंट में दो एक्टिविटीज नहीं जा सकती, ना तीन जा सकती, सिर्फ एक जा सकती है। तो आप वही चीज तो कर रहे हो यहाँ पे, ये बी भी इसी एक्टिविटी में से लेके जा रहे हो और इसमें कनेक्ट कर रहे हो, और ए भी सेम इसी एक्टिविटी में से लेके जा रहे हो और इसमें कनेक्ट कर रहे हो, तो ये चीज गलत है, ठीक है, ये ए ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकता, ये बी हो रहा था इसमें, ऐसे करो इसको, ये चीज थी हमारे पास। अब बचा ए, तो ए ऐसे कनेक्ट तो कर नहीं सकते, देखो बी और डी भी देखो मैंने कैसे कनेक्ट किया है, ये अलग इवेंट था डी का, मतलब जहां से मैंने डी निकाला, ये डी जहां से मैंने ये निकाला डी, ये अलग इवेंट में से निकला हुआ है, और ये बी अलग इवेंट में से निकला हुआ है, दो अलग इवेंट में से मैंने दो एक्टिविटी को एक में मर्ज किया, ऐसे नहीं किया मैंने इसको। अब देखो ए, देखो ए का क्या करोगे आप, ए को सिंपल ऐसे बना दो, इससे पीछे बनाओगे थोड़ा, अब ऐसे इसको ऐसे कनेक्ट तो कर नहीं सकते आप इस इवेंट में, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अब डमी बनेगा, यहाँ पे अब बनेगा डमी, ठीक है, डमी की जब रिक्वायरमेंट हो ना तभी बनाना डमी, बिना मतलब से डमी बना दिया। अब देखो यहाँ पे ये बी और डी आराम से कनेक्ट हो सकता था, तो मैंने कनेक्ट कर दिया, अब आप ऐसे लेके जाओगे डमी। अब ये इवेंट क्या शो कर रहा है, ए बी डी, ये इवेंट ए बी डी है, ये कल्ला ए है, क्योंकि डमी ऐसे जा रहा है, एरो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, एरो इस तरफ जा रहा है, तो ये हुआ ए बी डी, ये अकेला ए है, क्लियर। अब ए बी डी में से, क्योंकि यार देखो इस सेम एक्टिविटी में से सेम एक्टिविटी दूसरी सेम एक्टिविटी में से हम दो एक्टिविटी नहीं निकाल सकते, दूसरे सॉरी इवेंट में, इस इवेंट जैसे ये इवेंट है, ये इवेंट है, इन दो इवेंट में बीच में दो एक्टिविटीज नहीं निकाल सकते, एक्टिविटीज मतलब एरो दो एक्टिविटी आप ऐसे नहीं निकाल सकते, ये चीज गलत है। तो ऑब्वियसली बात है आप डमी ही बनाओगे, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इवेंट ए बी डी। अब यहां से ई निकाल दो, ई आ रहा था ना ए बी डी से, निकाल दिया ए बी डी से ई, हाँ जी निकाल दिया। आगे एफ इज कमिंग फ्रॉम ए बी डी, एफ भी ए बी डी से आ रहा है, ये है ना ए बी डी, यहां से एफ निकाल दो, निकाल दिया जी एफ। नेक्स्ट जी इज कमिंग फ्रॉम ई एफ, कह रहे कि जो जी है वो ई एफ से आ रहा है, ये रहा ई और ये रहा एफ, ई और एफ को एक इवेंट में लेके आओगे तभी आप वहां से जी निकालोगे, ये है ना जी इज कमिंग फ्रॉम ई एफ,
तो गाइज अभी मैं आपको समझा के रहती हूँ, एफ को मिटो के अगर आप इसको ऐसे इवेंट में लेके जाओगे तो ये चीज़ तो अलाउड है नहीं। सेम इवेंट में से आप दो एक्टिविटीज़ दूसरे इवेंट में नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे, अगेन यहाँ पे डमी बनेगा। ये चीज़ अलाउड नहीं है, ये चीज़ अलाउड है। देखो मैं रेड मार्कर से बता देती हूँ आपको, ये चीज अलाउड है। और ये चीज अलाउड है, ठीक है, ये चीज अलाउड नहीं है। अब यहां पे एफ था, कैसे था एफ, ऐसे था, है ना, एफ इज कमिंग फ्रॉम ए बी डी, ए बी डी से ही हमारा एफ निकल रहा था। अब आगे कह रहे जी इज कमिंग फ्रॉम ई एफ, ये रहा ई, ये रहा एफ, डमी बनाओगे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि सेम एक्टिविटी तो निकाल नहीं सकते आप, जैसे कि मैंने अभी बताया, डमी ऐसे बनेगा। अब ये वाला इवेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ई एफ, ये वाला इवेंट ई एफ है और ये वाला अकेला ई है। अगर अगर आप ये एरो ऊपर की तरफ लेके जाते हो ऐसे, पहली बात एरो बैकवर्ड तो जाता नहीं, ये बैकवर्ड चला गया, देखो मेरा एरो, एरो को बैकवर्ड तो लेके नहीं जा सकते आप। तो अगर आपने ऊपर की तरफ एरो लेके जाना है ना, तो ई को इससे थोड़ा आगे करोगे तभी फॉरवर्ड जाएगा एरो। ये ई, अगर आप एरो ऐसे लेके जा रहे हो ना, तो अब ये वाला इवेंट ई एफ हो गया, ये कल्ला एफ रह गया, ठीक है, ये वाला ई एफ है क्योंकि जो डमी है वो जा रहा है ऐसे और ये अकेला एफ है। पहले क्या था, ई यहां पे था और मैं डमी ऐसे लेके गई, तो ये ई एफ बन गया था और ये अकेला ई रह गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, ई एफ में से जी निकालना है, ये रहा हमारा ई एफ क्योंकि डमी जा रहा है ऊपर की तरफ, बैकवर्ड नहीं लेके जाना कभी भी, डमी एक्टिविटी कभी भी बैकवर्ड नहीं जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी हमेशा आगे की तरफ, ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है। यहां से निकालोगे आप ई एफ से जी, निकाल दिया जी। अब एच इज कमिंग फ्रॉम ए बी डी, ए बी डी से एच निकल रहा है, ये रहा हमारा ए बी डी, डी बी और ये डमी बनाया था ए का, तो ये ए बी डी है, यहां से आप एच निकालो, एच जाएगा इससे आगे ऐसे, इसको रब करो। उसके बाद आई इज कमिंग फ्रॉम एच, ये रहा एच, यहां से आप आई निकाल दो। नेक्स्ट जे इज कमिंग फ्रॉम जी, ये रहा जी, यहां से जे निकालो, जे थोड़ा सा आगे जाएगा। K is coming from G, K भी G से निकल रहा है, तो ये K ऐसे ले जो। L is coming from I, J, K, कह रहा I, J, K से L निकालो, I, J, K से L निकालो, ये रहा I, ये रहा J, ये रहा K, I तो इसमें कनेक्ट हो जाएगा, I तो इसमें कनेक्ट हो जाएगा आराम से, आई जे आ गया हमारे पास। अब के को आप मिटो के ऐसे ऐसे तो कर नहीं सकते कनेक्ट, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सेम इवेंट से आप दो एक्टिविटी अगले इवेंट में नहीं निकाल सकते ऐसे, ये चीज गलत है। तो ये के अगर यहां से मिटो के आप ऐसे यहाँ पे वो ज्वाइन करोगे तो ये तो होगा नहीं, तो क्या बनेगा, डमी। डमी कैसे बनाओ, ऐसे बना दो। अब ये क्या हुआ हमारा, आई जे के, आई जे के, देखो ये वाला इवेंट अकेला आई जे है, ये वाला इवेंट अकेला आई जे है, ये वाला इवेंट है आई जे के क्योंकि डमी जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये आई जे के, ये अकेला आई जे है। या फिर अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, इसको यहां से मिटो के, के था ना ये हमारा, इस के को अगर मैं यहां पे बना दूं
और इसको ऐसे ले जूं, तो ये अकेला मेरा के है और ये है हमारा आई जे के। ठीक है, देखो ये वाला इवेंट तो आई जे है, सिंपल आई और जे इवेंट है ये, और ये हमारा है के। तो इस के से मैं डमी लेगी ऐसे ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड आगे की तरफ, तो ये आई जे के हो गया हमारा, ये अकेला के है। आई समझ? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि मैंने पहले बनाया था, के को मैं इस वाले इवेंट से थोड़ा सा आगे लेके गई, क्योंकि हमारा ये आई जे है। तो यहां से मैं अगर मैं डमी ऐसे ले जाऊं, देखो हमेशा ना फॉरवर्ड जाना है। इसको मैंने थोड़ा सा आगे इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं के को पीछे बनाती तो डमी बैकवर्ड तो आ नहीं सकता था। तो अब ये आई जे रहा इवेंट ये, और ये हुआ आई जे के। अब यहां से निकाल दो आप एल, क्योंकि एल इज कमिंग फ्रॉम आई जे के। बस खत्म, नंबरिंग दे दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद ये वाला इवेंट है 9, 10, 11। जो पहले इवेंट है उसको पहले नंबर दोगे, फिर ऐसे ऐसे देते जाओगे। 1, ये 2, ये वाला इवेंट इससे पहले था तो इसको 2 दिया, फिर इसको 3, फिर ये है इवेंट 4, फिर ये वाला इवेंट इससे पहले है तो इसको 5 दे दिया, फिर ये 6, 7, फिर ये वाला इवेंट इसके बाद है तो ये 7 होगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा। ठीक है गाइज, ये नेटवर्क था, होप आपको आया होगा समझ में।